नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां मानसून के दस्तक देते ही गाजियाबाद नगर निगम ने शहर को हरा भरा करने के लिए ब्लूप्रिंट किया तैयार। गाजियाबाद जिले को हरा भरा करने के लिए नगर निगम ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बार बड़े पैमाने पर शहर में फलदार पौधे व औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण के लिए उपकरण भी खरीदे जा रहे हैं, ताकि पौधरोपण करने में कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नगर आयुक्त डॉक्टर दिनेश चंद सिंह ने बताया कि पौधरोपण के लिए शहर के एनजीओ, सामाजिक संगठनों व निगम के उद्यान कर्मचारियों का भी इस अभियान में सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार 25 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए नगर निगम ने पौधरोपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजियाबाद से अतुल शर्मा के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। व्यवस्था की है और उसमें विभिन्न पार्कों में हम लगाएंगे और उन एरिया को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ वृक्षारोपण नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसे पार्क हैं जिनका हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। सौर ऊर्जा मार्ग, उसमें अच्छे छायादार वृक्ष लगाएंगे क्योंकि एयर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ एक नया, हम लोगों ने चूंकि COVID-19 की परिस्थितियां चल रही हैं तो हम लोग हर पार्क में तुलसी के पेड़ लगाएंगे, नींबू के पेड़ लगाएंगे, जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में वो किसी के भी काम आए।